अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत ही प्यारा सा और वर्ल्ड वाइड फेमस पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और जिनके राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक अमेरिकन पोएट है, उन्होंने इसको लिखा है। और ये बेसिकली इस पे चॉइस पे बेस्ड है, ठीक है, कि कैसे एक चॉइस जो है आज हम करते हैं और कल के दिन वो हमारा पूरा की पूरा फ्यूचर चेंज कर देता है। जो कुछ भी आज हम अपने लिए चॉइस करते हैं, वो कल को हमारा फ्यूचर शेप करता है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम अपनी पोएम को। बहुत ही प्यारी पोएम है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बॉथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पोर्ट जो है वो कहाँ जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है ना टू रोड्स, मतलब क्या था, दो रोड यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा था, ठीक है। ये जा रहे थे जंगल में और यहाँ पे क्या हो गया, दो रोड डाइवर्ज हो गया, ठीक है। येलो का मतलब क्या है यहाँ पे, अटम, क्या अटम, अटम का मतलब पतझड़, ठीक है बेटा, और वुड का मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। तो जंगल में ये जा रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ, दो रोड क्या हो गया बेटा, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या हो जाना, दो डायरेक्शन में बढ़ जाना, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बॉथ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं मतलब दोनों रास्ते पे एक ही टाइम पे मैं दोनों रास्ते पे नहीं चल सकता था, ठीक है। एंड बी वन ट्रेवलर, जबकि मैं क्या हूँ, ट्रेवलर, अकेला है, ठीक है। कोई अकेला रहेगा बेटा कैसे, एक ही टाइम पे दो रास्ते पे, उसको चॉइस करना पड़ेगा ना एक, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए, लॉन्ग आई स्टूड, और वहाँ तक मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर आई कुड, और एक को देखता रहा यहाँ से, जहाँ तक मेरी नज़र गई मैं वहाँ तक देखता रहा। टू वर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, क्या लिखा है कि आगे जाकर के वो क्या हो गई थी, बेंट हो गई थी, घूम गई थी, और अंडरग्रोथ मतलब जंगल बहुत ही घना था, उसमें खो चुकी थी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया ना, देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या हुआ था कि कवि जो है, पोएट जो है, वो जा रहे थे और वहाँ पे रास्ता जो है डाइवर्ज हो गया, और वो दोनों रास्ता नहीं ले सकते थे, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ कि वो पहले वाले को देखते हैं दूर तक, जहाँ तक वो देख सकते थे, और आगे जा कर के वो पहला रास्ता क्या था, घूमा हुआ था, ठीक है, जंगल में जाके खो गया। ओके, अब हम आगे चलते बेटा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, अब क्या बोल रहे हैं कि मैंने दूसरा रास्ता क्या कर लिया यहाँ पे, देख लिया मतलब चूज़ कर लिया, क्योंकि उनको क्या लगा, ये वाला रास्ता उन्होंने क्या कर लिया, एक तरीके से मान लीजिए ये दूसरा रास्ता है हमारा, वो जो है वो चूज़ कर लेते हैं, उनको कुछ बेटर लगता है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, और क्यों उनको मतलब बेटर लगा कि वो क्या है, ग्रेसी है, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा घास वगैरह, फ्रेश घास है, और वॉन्टेड वियर मतलब उस पर लोग कम चले हैं, ठीक है बेटा, इसलिए उन्होंने इसको बेटर बताया और इसी पर अपना सफ़र स्टार्ट किया। तो एज़ फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, और जैसे ही वो कुछ दूर जाते हैं ना बेटा, तो उनको क्या लगता है कि ये तो ये वाला और ये वाला दोनों रास्ता क्या है, इनको सेम ही लगता है, ठीक है, वो पूरा कन्फ्यूज़ हो गए थे। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस मॉर्निंग ने बेटा जो रास्ते पर वो जा रहे थे बेटा, तो उनको क्या लगा कि दोनों रास्ता क्या है, एक तरीके से बराबर है, ठीक है, दोनों मतलब कि जो रास्ते में जो दोनों रास्तों में जो पत्तियाँ गिरी थी वो कैसी थी बेटा, ट्रॉडन ब्लैक, मतलब एक तरीके से कुचली नहीं थी, ठीक है। नो स्टेप का मतलब वहाँ पर कोई चला नहीं था पहले, ठीक है बेटा, वो क्रश नहीं हुई थी, कुचली नहीं गई थी, ठीक है। येट नोविंग ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और सोचते हैं मन ही मन में कि चले ठीक है, मैं ये वाले रास्ते पे चल रहा हूँ, इसको किसी और दिन के लिए छोड़ दे रहा हूँ। येट नोविंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मन ही मन में वो सोच रहे हैं कि मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब इधर चल रहा हूँ तो वापस फिर आ करके फिर इधर जाऊँगा, ठीक है। जैसे हम कोई होता है ना लाइफ का अपना कुछ चॉइस कर लेते हैं, तो हम उस पर अगर चलना स्टार्ट कर देते हैं फिर वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं बल्कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वही बात ये बोल रहे हैं, वो मन ही मन में वो मतलब अपने आप को मतलब बस तसल्ली दे रहे हैं कि चलिए मैं अगले दिन आके चेक कर लूँगा, लेकिन उनको भी पता है कि मैं आ नहीं पाऊँगा। आई डाउट इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और वो मतलब मन ही में सोच रहे हैं कि मतलब मैं अगर कभी आऊँगा तो मैं ये वाले पे चला जाऊँगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद असाई सम वेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं आई शैल बी टेलिंग, मतलब मैं आह भर के, यहाँ पे साई का मतलब आह या सांस भर के, ठीक है, मैं कहता रहूँगा, ठीक है, कि एक टाइम की बात थी। मैं आगे देखिए क्या लिखा है, टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई कुड टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मतलब एक बार की बात थी, मैं जंगल से जा रहा था और वहाँ पे क्या हो गया था बेटा, रोड डाइवर्ज हो गई थी, और मैंने कौन सा रोड लिया था बेटा, आई टुक द वन लेस ट्रेवल, मैंने वो लिया था जिस पे लोग कम चले थे, ठीक है। एंड क्या लिखा है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, ठीक है, और जो कुछ भी हूँ मैं उसी रास्ते की वजह से आज हूँ, और यही जो है डिफरेंस बनाया है, ठीक है। मैं जंगल में जा रहा था, रोड डाइवर्ज हो गया, ठीक है, और मैंने ये वाला रास्ता ले लिया, और जो कुछ भी आज मेरे अंदर डिफरेंसेस है या जो कुछ भी डिफरेंसेस है इसी चॉइस की वजह से है, ठीक है।
तो ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा, और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।